लियो होगा थलपति विजय सिंह की नई फिल्म का नाम। और गाइस इस फिल्म का नाम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और रही सीन की बात, तो सीन में तो कोई एक्टिंग या दम था ही नहीं। लोकेश कंगराज के निर्देशित थलपति विजय की नई फिल्म का पर्दाफाश हो चुका है। उस फिल्म का नाम है लियो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इस फिल्म में थलपति विजय, संजय दत्त, त्रिशा कृष्णन है। हालांकि जब इस फिल्म का टाइटल लोगों तक पहुंचा, लोगों को पता चला, तो लोगों को इस बात की कोई खुशी नहीं थी। तो यार अगर अभी से इनको खुशी नहीं है फिल्म की, तो यार फिल्म कैसे चलेगी। थलपति विजय की बहुचर्चित थलपति 67वें फिल्म का लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था कि भाई इस फिल्म का टाइटल क्या होगा। बट फाइनली फिल्म मेकर्स ने इसका टाइटल रिवील कर दिया है। इस फिल्म का टाइटल है लियो। और गाइज निर्माताओं ने हमेशा फिल्म के अपडेट्स को लोगों की मर्जी के बिल्कुल किनारे रखा है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि यार जो लोगों को पसंद आ रहा है वही चीज वो बनाए, वही चीज करे, क्योंकि उनके लिए ही बना रहे। अब जब उनको पसंद नहीं आएगा तो ऐसे कैसे चलेगा भाई, कैसे। और इन सबके बीच थलपति 67 के टाइटल को लेके लोगों में एक अलग ही क्रेज रहा है, अलग ही इंटरेस्ट रहा है। दर्शक इस फिल्म का टाइटल जानने के लिए बहुत टाइम से बहुत बेसब्र थे कि यार फिल्म का टाइटल आखिर क्या होगा, क्योंकि यार जो इस फिल्म में हीरो है वो तो बिल्कुल ठाए है ठाए। तो ऐसे में आज निर्माताओं ने फिल्म का टाइटल रिवील कर दिया है फाइनली, और इस फिल्म का टाइटल है लियो। इस फिल्म ने एक बहुत शानदार टाइटल प्रोमो जारी किया, जो दिखने में बहुत बड़ा और बहुत ग्रैंड है। और गाइज एक और चीज कि इस फिल्म का जो प्रोमो है वो इतना बढ़िया है कि लोगों के ना सब रोंगटे खड़े कर देने वाली है भाई, रोंगटे खड़े। तो सोचो कि फिल्म कैसी होगी। फिर BGM और अकेले थलपति विजय के कुछ दिल छू लेने वाले सीन से परिचित कराया है, जो कि बहुत ही ज्यादा गजब होने वाला है। इसे देख के कहा जा सकता है कि लियो निश्चित रूप से 7 स्क्रीन स्टूडियो के घर से इकाई एक और मास्टरपीस बनने की गारंटी देता है। थलपति विजय, संजय दत्त और त्रिशा कृष्णन के साथ विश्व स्तर पर स्टार कास्ट पर अच्छी तरह से सजी लियो। थलपति विजय, संजय दत्त और त्रिशा कृष्णन इस फिल्म में सारे जितने जो एक्टर और एक्ट्रेस है भाई, ऐसे चुन चुन के लिए गए कि सब अपने एक्टिंग में एकदम मैच कर रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त। इस फिल्म में हर कोई अपने कैरेक्टर में बिल्कुल खूब तरीके से जमा है। अगर हम बात करें इस फिल्म के टाइटल को, तो ये टाइटल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। लोगों के मन में इसने क्रेज बढ़ा दिया कि यार कब ये बड़े पर्दे में ये फिल्म लगे और हम इस फिल्म को देखने के लिए जाए। बहुत ज्यादा वो लोग एक्साइटेड है। और कहीं एक लोग है कि वो ये बोल रहे हैं कि यार ये फिल्म में एक्शन अच्छे नहीं है या इस फिल्म में दम नहीं है, मतलब अब ये इस फिल्म के खिलाफ भी बोल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं लियो के मेकर्स के बारे में कि इसके मेकर्स कौन है। 7 स्क्रीन स्टूडियो के थलपति 67 के निर्देशन लोकेश कंगराज करेंगे। और गाइज मैं आपको एक और अच्छी बात बता दूं कि ये फिल्म 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगी गाइज, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार है। और सुनने में आ रहा है रिपोर्टर के मुताबिक कि इस फिल्म में विलन का रोल करेंगे संजय दत्त। करेंगे नहीं, एक्चुअली कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगी कि संजय दत्त ही करे, क्योंकि यार KGF में जो उन्होंने धमाल मचाया था, क्या लुक, क्या गेटअप था उनका, मजा ही आ गया था। तो गाइज इस फिल्म में, लियो फिल्म में उनका लुक कैसा होगा, मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन की फिल्म 14 साल बाद फिर से साथ में हमें नजर आने वाली है, इसीलिए दोनों स्टार के फैंस के मूवी के रिलीज का इंतजार लोगों से नहीं हो रहा है, और बहुत मुश्किल इंतजार करना यार वाकई में। और ये फिल्म अब जो 14 साल बाद आई है, ये मूवी के टीजर को देखकर ये कहना गलत नहीं हो सकता कि ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। तो गाइस मीडिया रिपोर्टर के हिसाब से जो हमें न्यूज मिल रही है, तो वो सुनकर तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि यार मूवी बड़ा कुछ तहलका मचाने वाली है ये। और स्पेशली संजय दत्त विलन के रूप में हमें नजर आ सकते हैं, तो यार वो नजर आए फिल्म में तो और 4 चांद लग जाएंगे यार, विलन में क्या ही जबरदस्त एक्टिंग करते हैं वो। तो गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना आप लोग कौन कौन ये मूवी देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे। ओके, तो मेरी अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो लोग नए हैं जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस। तो मिलते हैं जल्द हम ऐसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।